चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा ज़रा वो बाकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रात के इस पहर हम जो आए हैं, ये एक आज़ादी सहाफ़त का इस्तारा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी एक, ये जो इमरान रियाज ख़ान की इस वक्त गिरफ़्तारी है, ये एक शख्स की गिरफ़्तारी नहीं है। इनमें जो सहाफ़त उसको जंजीरों में पाबंद सलासिल कर दिया गया है, उसके ख़िलाफ़ अब इस वक्त जो है वो आज पूरी तरीके इंसाफ यहाँ पर मौजूद है। इफ्तिखार दुरानी साहब हैं, हमारे बसरा साहब हैं, हमारे और बाकी दोस्त हैं, और शहबाज़ गिल और मैं, हम सब तमाम लोग इस वक्त जो हैं अपने तमाम जो सहाफ़ी बरादरी है उसके साथ एक इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हमें उम्मीद है कि ये जो गिरफ़्तारी की गई है इमरान रियाज की, जिस बहिमाना तरीके से की गई, आज शाम ही को इमरान खान साहब ने अपने जो 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 बात की थी, जो वीडियो मैसेज दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में जमहूरियत के बजाय हमने रिवर्स गियर लगा दिया है, फाशिज़म की तरफ चले गए और एक फाशिस्ट रियासत, एक फस्ताइत के हामिल जो हुक्मरान हैं वो यही करते हैं जो उन्होंने किया है। इमरान रियाज का गुनाह सिर्फ ये है कि वो इस हकूमत को तनकीद कर रहा है, वो इस हकूमत के ऊपर जो है वो तारीफ़ और तौसीफ़ के डोंगरे नहीं बरसा रहा, और उसकी वजह से उसको गिरफ़्तार किया गया है। आज मैं ये समझता हूँ कि और इस अदालत का जहाँ पे हम सामने खड़े हैं, इसका हुक्म था कि उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन उसको वायलेट करके उनको इस वक्त गिरफ़्तार किया गया है। तहरीक इंसाफ ने कल इमरान रियाज की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ एक मुल्कगीर एहतजाज की कॉल भी दे दी है, और इंशाल्लाह हमारे तमाम कारकुनान जो हैं वो तमाम शहरों के प्रेस क्लब्स के सामने जमा होंगे और आज़ादी सहाफ़त के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, और हम जिस हद तक मुमकिन हो सका, हमें जहां तक जाना पड़ा, हम इंशाल्लाह इस आज़ादी के इस बुनियादी हक के लिए जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।